नमस्कार, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि स्पेशल व्रत के लिए मैं आप लोगों के लिए केले का टिक्की लेकर आई हूँ, और जो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। आलू की टिक्की तो सब बनाते हैं, बनाकर खाते हैं, लेकिन मैं केले का टिक्की बनाऊंगी। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो केले की टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कच्चा केला लिया है, और धनिया पत्ती है, देसी घी है 3 बड़े चम्मच, और 4 चम्मच दही लिया है मैंने, और ये है सिंघाड़े का आटा 3 बड़े चम्मच। आलू के टिक्की में अरारोट डालते हैं। ये व्रत के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें सिंघाड़े का आटा डालें या गुड्डू का आटा डाल सकते हैं। और मूँगफली ली है मैंने जो टिक्की में डालूँगी। 1 हरी मिर्च है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर है, और वाला सेंधा नमक है, और ग्रेट किया हुआ अदरक है, और 1/2 कप पानी है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम केले को पानी में उबाल लेंगे। 1 पैन लेंगे, इसमें हम रखेंगे पानी 1 ग्लास, जो मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी रख दिया है उबलने के लिए। इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, इससे हमारा केला काला नहीं होगा। अब इसमें हम केले को काट कर डाल देंगे, और उबलने के लिए हाई फ्लेम पर ढककर 10 मिनट इसको उबाल लेंगे। चुके हैं, देख लेते हैं हमारे अब केले को। तो किसी चाकू से इसको देख लें उबल गया कि नहीं। ये अच्छे से पक गया है, अब गैस ऑफ कर देंगे, और इसको हम ठंडे पानी से धोकर, और जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसके लिए टिक्की बनाएंगे। चलिए अभी ये केले ठंडे हो चुके हैं, तो इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। हाथ से कर ले या ये फोक ले लें, इससे करें, और इसको अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये मूंगफली है, कच्ची मूंगफली, इसको मैंने कढ़ाई में डालकर अच्छे से सूखा भून लिया है। घी तेल कुछ भी नहीं डालेंगे, इससे इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। अभी ये ठंडा करने के बाद इसके छिलके हटा लेंगे, और इसको दरदरा कूट कर उसके बाद हम टिक्की में डालेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, अब इसके छिलके हटाऊंगी और दरदरा कूट कर उसके बाद टिक्की में डाल दूंगी। ये है मूंगफली, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। ये सिंघाड़े का आटा, तीन चम्मच डालेंगे। यह व्रत वाला नमक, आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। यह हरी मिर्च, अदरक, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, और लास्ट में हम कुछ कटे हुए धनिया पत्ती डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है। आपको लगे कि डो सूखा है तो आप 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं तो ये केले से ही अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए सॉफ्ट साइड डो बन गया है, मेरा पानी वैसे ही है, इसमें मैंने 1 बूंद भी पानी नहीं डाला है। तो अब इसको हम गोल गोल टिक्की का शेप देकर उसके बाद हम इसको तल लेंगे। लीजिए ये बहुत स्टिकी के शेप में तैयार हैं, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे और रखेंगे 1 पैन, मैंने भी यहाँ पर 1 पैन रखा है, गर्म हो चुका है। अब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ टिक्की को, तुरंत में खाना है, ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको सेलो फ्राई करूँगी। वो घी मेल्ट होने देंगे। और फ्लेम हाई कर देंगे, और इसके बाद इसमें हम एक एक करके टिक्की को डालते जाएंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और हम फ्लेम अप लो कर देंगे, और इसमें हम इसको
अच्छे से सीखने देंगे। अब इसको एक एक करके हम पलटते जाएंगे और इसको थोड़ा ऊपर से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से टिक्की का शेप ले ले। ये टिक्की का शेप बन गया अच्छे से। अब इसको हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से बनाएंगे। ये टिक्की हमारी अच्छे से सेलो फ्राई हो चुकी है तो इसको अब हम गैस ऑफ करके इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, उसके बाद अब सर्व करेंगे। ये मेरी केले की टिक्की रेडी है। ये मैंने घर पर ही रायता, दही रायता बनाया है जिसमें मैंने इसमें दही, ग्रेट किया हुआ गाजर, भुना हुआ जीरा पाउडर, अदरक और व्रत वाला नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया डालकर बनाया है। टिक्की से बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरी टिक्की को आप बनाइए अपने घर में, खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी टिक्की कैसी बनी है। अगर टिक्की अच्छी बनी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।